हमारे बीच माननीय पुरुष स्वास्थ्य, तो हमारा जो संगठन है जिनको लेकर के आज हम लोग यहाँ हम सभी भाई उपस्थित हैं, तो उनके युवा नौजवान से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, हमारी जो टीम होगी अलग अलग जिला, अलग अलग प्रखंड और अलग अलग हम लोग, और मूलतः हम लोग पहले तो विश्वविद्यालय स्तर पे जो भी समस्याएं, आज छात्र परेशान है, किन्हीं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, किन्हीं को लोन नहीं मिल रहा है। बिहार के राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने नए संगठन के नाम का ऐलान कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने सामाजिक संगठन का नाम छात्र जनशक्ति परिषद दिया है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएगी। तेज प्रताप यादव का नया संगठन छात्र शक्ति परिषद राजद का ही अंग होगा, जो बिहार और बिहार के बाहर काम करेगा। अपने नए संगठन का ऐलान करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि राजद को मजबूत बनाना ही छात्र जनशक्ति परिषद का मुख्य उद्देश्य है। हम लोग मिसाल की तरह इस संगठन को हम लोग फैलाने का काम करेंगे, और जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है छात्र नौजवानों के साथ, इसमें पहला जो हमारा मुद्दा होना चाहिए वो शिक्षा होना चाहिए पूरे तरीके से, कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी जो थे उन्होंने चरवाहा विद्यालय देने का काम किया था, कि गांव में जो चरवाहे हैं, जो गाय भैंस बकरी जो चढ़ाने वाले हैं, वो भी पढ़ना लिखना सीखे, तो वो कॉन्सेप्ट बिहार सरकार ने खत्म करने का काम किया। जरूरत क्या पड़ी इस तरह के संगठन? नहीं, जरूरत पड़ी क्या, हमने आपको अभी जो बैठक में जो आप वहाँ उपस्थित थे तो हमने बताया कि छात्र जो जनशक्ति जो परिषद हमने बनाया, इसका जरूरत हमको क्या पड़ा। इसमें जनशक्ति में जरूरत हमको ये पड़ा इसको बनाने का, कि हमने आपको पहले विस्तार रूप से बता दिया कि बहुत सारे संगठन जो है पूरे देश भर में हैं, जो दलें हैं, राजनीतिक दलें हैं, तो सारे राजनीतिक दलों का एक एक पार्ट होता है, तो हमने इसको राष्ट्रीय जनता दल का एक पार्ट बनाने का काम किया है। और इस पार्ट के तहत, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़ा संगठन है, ये पूरे देश भर में नेशनल संगठन है हमारा पार्टी का, तो इसका एक पार्ट जिस तरीके से हमने DSS बनाने का काम किया था, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो इसको लेकर के चलने का काम करता है। तो बहुत सारा जैसे छात्रों से रिलेटेड जो मुद्दा है उसको हम लोग यहाँ पर रखने का काम करेंगे, इसीलिए हमने एक कमेटी बनाने का। आपका तो छात्र राजद विधायक ठीक है, वो विवाद नहीं, छात्र राजद चल रहा अलग तरीके से, छात्र राजद अलग तरीके से चल रहा है, आप छात्र ये भी चल रहा है नया तरीके से।